सब्सक्राइब कीजिए माय एक्साइटिंग व्लॉग्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट व्लॉग सबसे पहले देखने के लिए। सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज योर फ्रेंड मोहित बैक विद अदर व्लॉग्स। सो गाइस, आज आपको लेके जा रहा हूं लक्ष्मी नगर की सेकंड हैंड लैपटॉप मार्केट में, जहां पे मैं आपको सेकंड हैंड लैपटॉप दिखाने वाला हूं। यहां पे आपको लैपटॉप एंड डेस्कटॉप दोनों मिल जाएंगे। आपको यहां पे हर ब्रांड के लैपटॉप्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, यहां पे आपको एप्पल का चाहिए, डेल का चाहिए, एचपी का चाहिए, जिस भी ब्रांड का चाहिए यहां पे आपको सारे मिल जाएंगे। एंड जितने मैंने आपको लैपटॉप दिखाया इनके साथ आपको 1 मंथ की वारंटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी में भी कोई दिक्कत आती है तो वो आपको रिप्लेस करके दिया जाएगा। एंड इसके साथ जो भी आपको एक्सेसरीज मिलेंगी, इसकी जो ओरिजिनल एक्सेसरीज है वो मिलेंगी। यहां पे आपको जिस रेंज के हिसाब से लैपटॉप चाहिए आपको यहां पे सारे मिल जाएंगे। शॉप का एड्रेस एंड फोन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। आपका आ गया है डेल का फर्स्ट लैपटॉप, तो भैया प्लीज आएगा खोल के दिखाई एक बार से। देखिए भैया, तो भैया पहले बताइए मॉडल कौन सा है? ये डेल का लैटिट्यूड 6440 है। ओके भैया, आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताइए प्लीज। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है जी, कोर i7 प्रोसेसर है, 4GB रैम है, 500GB हार्ड ड्राइव है। ओके, और 2GB ग्राफिक है इसमें। ओके, एंड भैया इसकी कॉस्टिंग क्या थी? 14500। एंड भैया एक बार बताइए इस लैपटॉप के साथ मतलब आप कितने टाइप की वारंटी, इसकी गारंटी होती है? 1 मंथ की वारंटी में होती है सभी लैपटॉप। ओके, फॉर एग्जांपल अगर इसमें कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मतलब रिप्लेस करते हैं, रिपेयर करके देते हैं? नहीं, जिस पार्ट्स में प्रॉब्लम है वो पार्ट्स चेंज करके देते हैं। ओके ओके, एंड गाइस आपको ये जो आपको पड़ेगा 14500 रुपीज़ का पड़ेगा ये। हाँ जी हाँ जी, और यह है आपका डेल का कोर i7। ओके भैया, गाइस आपको आ गया HP का प्रोबुक 4430। कोर i3 प्रोसेसर है, 4GB रैम है, 320GB हार्ड ड्राइव है। ओके ठीक है, एंड भैया अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 8500 का मिल जाएगा। 8500 रुपए की रेंज है। प्लस एक बार रही जैसे पबजी गेम आज के टाइम में ट्रेंडिंग में से ये सपोर्ट करेगा। तो गैर आपको बता दो मतलब 8500 रुपये की रेंज में आप एक पबजी का आप लैपटॉप ले सकते हैं जिसमें पबजी गेम सपोर्ट करता है। यानी आपको पड़ेगा 8500 रुपये की रेंज में। हाँ जी, तो भैया मुझे एक बार बताइए मतलब जो पबजी के लिए कंफिगरेशन चाहिए गेम खेलने के लिए, तो मतलब उसके सारे इसमें हैं? i3 i5 i7 सारा मिल जाएगा सर। अब गैस ये आपका आ गया है डेल का नेक्स्ट लैपटॉप, को भी बताइए पहले मॉडल कौन सा है? सर ये डेल का 6400 है। 6400, ओके ठीक है। अब इसे ओपन कीजिए एक बार भैया। सर एक कोर टू प्रोसेसर है, 2GB रैम है और 160GB हार्ड ड्राइव है। 160GB हार्ड ड्राइव, हाँ जी। और हमने इसका वो क्या प्रोसेसर कौन सा है? प्रोसेसर कोर टू डी है। कोर टू डी, हाँ जी। ओके, एंड भैया अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो 6000 है। ओनली 6000 रुपीज़ में? ओनली 6000 है। तो भाई एक बार बताइए जो इसके मतलब सारी सी एक्सेसरीज होगी वो प्रोवाइड कराते हैं? हाँ, इसका ओरिजिनल चार्जर मिलेगा आपको। ओके, मतलब जो एक्सेसरीज का प्रोवाइड कराएंगे? ओरिजिनल चार्जर। एंड आपको पड़ेगा गाइस 6000 रुपीज़ की रेंज में। अब गाइस ये आपका आ गया डेल का लैपटॉप, तो ये पहले बताइए कौन सा डेल का मॉडल होगा? ये डेल XPS। XPS ठीक है, ठीक है। i5 प्रोसेसर है सर ये, ठीक है भैया। 4GB रैम है और 500GB हार्ड ड्राइव है, ठीक है भैया। और भैया अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 11000 रुपये का मिल जाएगा सर। 11000 रुपये की रेंज में? हाँ जी। गाइस ये देखिए आपको पड़ेगा 11000 रुपीज़ की रेंज में XPS। भैया प्लीज़ बंद कर दिखाई एक बार। गैस अगर भैया एक बार साइड से इसकी लेंथ दिखाना, साइड से कितना मोटा है, देख गैस कितना मतलब काफ़ी ब्रॉड लैपटॉप है। एंड आपको पड़ेगा गैस ओनली 11000 रुपीज़ की रेंज में। अगर ये आपका आ गया है डेल का लैपटॉप, तो ये बताइए पहले कौन सा मॉडल होगा? ये डेल में 5430। डेल का 5430, हाँ जी। ठीक है भैया, इसमें कॉन्फ़िगरेशन बताइए? कोर i5 प्रोसेसर है, कोर i5 प्रोसेसर, ठीक है। 4GB रैम है, 4GB रैम और 320GB हार्ड ड्राइव है। कितनी जीबी भैया? 320। 320GB हार्ड ड्राइव है। ओके, एंड भैया अगर ये गेमिंग के मामले में बात की जाए, जितने भी हमने लैपटॉप कवर किया, अगर हाई एंड गेमिंग की बात की जाए तो इसमें लैपटॉप कंपैटिबल है? सपोर्टेबल है, सारे सपोर्टेबल है। ओके ओके, एंड भैया ये बताइए जो डेल का लैपटॉप देख रहे हैं इसका प्राइसिंग क्या होगी? इसका लगी ये 10000। 10000 रुपीज़ की रेंज? हाँ जी, कोर i5। ओके, 10000 रुपीज़ की रेंज में आपको मिलेगा कोर i5। हाँ जी, बेस ही आगे से लुक बनेगा फ्रंट से। अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है तो कहता आपको यही बोलूँगा कि अगर भैया के पास जरूर विजिट करें, यहाँ पे आपको आपकी रेंज के मुताबिक सारे लैपटॉप्स मिल जाएंगे। वैसे ये आपका आ गया एप्पल का मैकबुक एयर, तो भैया बताइए जरा इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या क्या मिलेगा? i5 प्रोसेसर है, हाँ जी,
4GB रैम है, 500GB हार्ड ड्राइव है। ओके ठीक है, कॉस्टिंग क्या होगी सर? ये 26,500 का, 26,500 रुपए की रेंज में। हाँ जी। ओके, एंड इसमें कितनी जीबी, कितनी हमें स्टोरेज मिलेगी? 500GB हार्ड ड्राइव है, 500GB हार्ड ड्राइव इसमें चाहिए। एंड ये आपको पड़ेगा गैस 26,500 रुपए की रेंज। हाँ जी, एप्पल का लैपटॉप है। एप्पल का अभी ऐसे बंद कर दिखाई एक बार, ये देखिए। और अगर हम न्यू की समय बात करें, न्यू आपको अराउंड 60-70,000 की रेंज तक का मिलता है ना भैया? नहीं, 85,000 की रेंज में आपका। ओके, और ये आपके यहाँ पे भैया के पास मिलेगा 26,000 रुपीज की रेंज में। हाँ जी। अब गाइस ये आपका आ गया है नेक्स्ट डेल का लैपटॉप। तो भैया बताइए पहले, तो ये मॉडल कौन सा ये? डेल लैटिट्यूड 7440। डेल लैटिट्यूड 7440। हाँ जी, ये टच स्क्रीन लैपटॉप है। टच स्क्रीन लैपटॉप है। हाँ जी, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये टच स्क्रीन है। ओके ठीक है। और i7 फोर्थ जनरेशन प्रोसेसर है। i7 फोर्थ जनरेशन। हाँ, 4GB रैम है। ओके। और 256GB SSD हार्ड ड्राइव है। SSD हार्ड ड्राइव। हाँ, विद इन 7-8 सेकंड में ऑन हो जाती है विंडोज। ओके, इतना फास्ट है। ओके, एंड भैया अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 21,500 का है। 21,500 रुपये की रेंज में आपको पड़ेगा। हाँ जी। डेल लैटिट्यूड 7440। एंड गैर आपको बता दूँ, ये जो आप देख रहे हैं लैपटॉप, ये आपका टच स्क्रीन लैपटॉप है। टच लैपटॉप है। हाँ जी। ओके, ये भैया इसको बंद कर भी सुनाएगा इसके आगे से लो। यानी आपको पड़ेगा 21,500 रुपये की रेंज। 21,500 की रेंज। ओके, अब गाइस ये आपका आ गया HP का नेक्स्ट लैपटॉप। तो स्लिम लैपटॉप है सर ये। HP का स्लिम लैपटॉप। अच्छा ठीक है। और ये मॉडल कौन सा होगा भैया? ये 820G1। ये है HP का 820G1। G1 ठीक है भैया। कॉन्फ़िगरेशन प्लीज बताइए इसके बारे में। कॉन्फ़िगरेशन है सर इसका 4GB रैम है। हाँ जी। और i5 फोर्थ जनरेशन प्रोसेसर है। ठीक है भैया। और 500GB हार्ड ड्राइव है। 500GB हार्ड ड्राइव है। हाँ जी। ओके भैया, देखिए देखिए, अगर आप लैपटॉप देखें, लैपटॉप एकदम मिंट कंडीशन में लैपटॉप है ये। यानी आपको जिस भी ब्रांड के चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको एप्पल के चाहिए, HP के चाहिए, डेल के चाहिए, सारे भैया के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो भैया इसकी प्राइसिंग की बात, इसकी प्राइसिंग क्या होगी? ये 12,500 का है। 12,500 रुपए की रेंज में। हाँ जी। ओके, ये स्लिम लैपटॉप है। देखिए सर, बिल्कुल स्लिम। ये देखिए, आपको साइड से दिखाना होगा, साइड से दिखाना। ये देखिए स्लिम लैपटॉप होगा एकदम ये। और ये आपको मिलेगा 12,500 रुपए की रेंज में। i5 फोर्थ जनरेशन 4GB 500GB। ओके भैया। अब गाइस ये आपका आ गया सोनी का वायो। तो भैया बताइए पहले इसके बारे में कुछ। भैया ये कोर i5 प्रोसेसर है सोनी का, 4GB रैम है, 500GB हार्ड ड्राइव है, 15.6 डिस्प्ले है। अच्छा, 15.6 इसमें आपको डिस्प्ले मिलेगा। न्यूमेरिकल कीबोर्ड है। ये देखिए न्यूमेरिकल कीबोर्ड मिलेगा इसमें आपको, ये देखिए। ओके ठीक है भैया। ये मिलेगा सर आपको 10,500 का। ये आपको पड़ेगा 10,500 रुपीज़ की रेंज में। हाँ जी। तो भैया फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमें इसमें ही सोनी वायो में अगर कोई लेटेस्ट ईयर के किसी को मॉडल चाहिए, तो लेटेस्ट ईयर के मॉडल पे अवेलेबल होते हैं इसमें? अपग्रेड हो जाएगा, जैसे आपको हार्ड ड्राइव 1 TB करनी है और रैम 8GB करनी है, तो अपग्रेडेशन हो जाएगी। अच्छा, अपग्रेडेशन हो जाएगी। जनाब बताइए 10,000 रुपीज़ की रेंज में। हाँ, 10,500 रुपीज़ की रेंज में पड़ेगा। तो एक आपको लुक दिखाना चाहिए, बंद कर भी चाहिए। देखिएगा, अच्छा अब ये देखिए पहले कौन सा है ये लैपटॉप? ये HP वर्क स्टेशन है, एलाइट बुक। ओके, 8570। ठीक है भैया, अभी इसको ओपन करके दिखाइए। देखिए भैया, i7 प्रोसेसर है। ओके, i7 प्रोसेसर मिलेगा। हाँ जी, 8GB रैम है और 1TB हार्ड डिस्क है। 1TB हार्ड डिस्क। हाँ जी, 4GB इसमें ग्राफिक कार्ड है। 4GB का ग्राफिक कार्ड। हाँ जी। ओके, बेसिकली ये वर्क स्टेशन है। हैवी वर्क के लिए जहाँ यूज़ होता है ना। हाँ जी। वो है 4GB ग्राफिक, i7 प्रोसेसर और 8GB रैम, 1TB हार्ड ड्राइव है। ओके, एंड बेसिक कॉस्टिंग क्या होगी इसकी? ये 18,000 रुपये का है। 18,000 रुपये का। हाँ जी। ओके गैस, तो मैं आपको एक बार बता दूँ कि चाहे आप भैया से कोई भी रेंज का लैपटॉप ले, उनके साथ आपको 1 महीने की वारंटी मिलेगी, और उसमें कुछ भी खराब होता है तो आप उसको रिपेयर करके देते हैं। हाँ, रिप्लेस करके देते हैं। ओके, रिप्लेस करके देंगे। सॉरी। हाँ जी, हाँ जी। ओके, एंड ये आपको 18,000 रुपये का। ओके, 18,000 रुपीज़ का। ये वर्क स्टेशन है। ओके, ये देखिए आप, इसमें ये ऑलरेडी कंपनी का वर्क स्टेशन होता है। एलाइट बुक वर्क स्टेशन, ये आपका है HP एलाइट बुक वर्क स्टेशन, 18,000 रुपीज़ की रेंज में। एंड भैया अगर हम न्यू की कॉस्टिंग की बात करें, न्यू कितने का पड़ेगा? नया तो ये 1,00,000 रुपये के करीब है। नया आपको 1,00,000 रुपये के करीब मिलेगा। हाँ जी। एंड आपके पास यहाँ पे भैया अगर आपको मिल रहा है 18,000 रुपये का।
अब गाइस ये आपका आ गया HP का नेक्स्ट लैपटॉप तो भैया बताइए पहले पे मॉडल कौन सा है ये HP है 430 HP 430 प्रोबुक प्रोबुक हां जी ये आपका गाइस HP 430 प्रोबुक ठीक है भैया स्लिम लैपटॉप होता है ओके और 4GB रैम है i5 प्रोसेसर है फोर्थ जनरेशन ओके और 500GB हार्ड ड्राइव है 500GB हार्ड ड्राइव है हां जी ओके एंड भैया इसकी क्या कॉस्टिंग होगी सर लगी ये 13500 ये गाइस आपको मिलेगा 13500 रुपए की रेंज में इसका वेट 1.5 kg है ओके ओके काफी मतलब देखो मैं जरा काफी लाइट वेट है गाइस आपको बता दिया काफी लाइट वेट है ये आपको है 1.5 kg का ये और आपको मिलेगा 13500 रुपए की रेंज में हां जी ओके भैया एंड गाइस आपको बोल दूं जो भी भैया से आप लैपटॉप परचेस करते हैं सब में आपको 1 मंथ की वारंटी मिलती है अगर इसमें कुछ भी दिक्कत होती है तो भैया उसको रिप्लेस करके देते हैं क्यों भैया वैसे कोई दिक्कत नहीं होती और 1 मंथ चलता है तो आगे भी चलता है हां जी सही बात है भैया एंड ये आपको पड़ेगा 13500 रुपए की रेंज में हां जी